What's up, and I hope you all are good and safe. So yeah, this is me Sneha and yeah, welcome back to my channel. So as हमेशा की तरह मैं आज भी लेकर आ गई हूँ आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। एंड ऑल्सो गाइस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, उससे क्या होगा ना आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहेंगे। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आईडी करीब आपको स्क्रीन में दिख रहा है, जल्दी से जाकर मुझे फॉलो करिए जाकर के। तो गाइस बिना देरी के आज वीडियो को स्टार्ट कर लेते। तो आज मैं शेयर करने वाले हूँ आपके साथ रक्षाबंधन स्पेशल फोर टॉपिक्स जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। बात कर लेते हैं उन टॉपिक्स के बारे में। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ हाउ टू मेक राखी एट होम, वो भी घर के सामान सब कैसे बना सकते हो राखी को। तो गाइस आज मैं जो राखी को बनाने के लिए जो सामान यूज करने वाली हूँ वो आपके घर में डेफिनेटली अवेलेबल होगा ही होगा, सबके घर में अवेलेबल होता है बिंदी की राखी। तो मैं बिंदी से ही राखी बनाऊंगी एंड बहुत ही इजी एंड सिंपल सी ट्रिक है। एंड साथ ही मैं फ्रेंडशिप बैंड भी शेयर करूंगी, बिकॉज जब मेरी आपको ये वीडियो मिलेगी उसके नेक्स्ट डे फ्रेंडशिप डे है। तो अगर आपको पसंद आए फ्रेंडशिप बैंड तो आप उस टाइप से फ्रेंडशिप बैंड बना सकते हो, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हो। तो गाइस ये तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ हाउ टू डेकोरेट पूजा थाली। रक्षाबंधन के टाइम पे हम लोग राखी वगैरह एक प्लेट में रखते ही हैं, तो काफी सिंपल सा प्लेन प्लेट रख देते हैं, उसमें सारा सामान रख देते हैं। तो इस बार मैं भी कुछ चेंजेस करने वाली थी, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। एंड थर्ड टॉपिक ये है कि आप इस रक्षाबंधन में कैसे आउटफिट्स पहन सकते हो, वो भी काफी अफोर्डेबल प्राइस में, वो मैं कुछ आइडियाज अपने अकॉर्डिंग शेयर करूंगी आपके साथ में। एंड मैं क्या पहनने वाली हूँ वो भी मैं शेयर करूंगी आपके साथ में अपनी आज की वीडियो में। एंड फोर्थ टॉपिक ये है कि आप कैसा मेकअप करने, बिकॉज इतना टाइम नहीं मिलता है हम लोगों को रक्षाबंधन टाइम पे कि हम लोग फुल ऑन मेकअप करें। तो कुछ इजी से टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे आप जल्दी वाला मेकअप कर सकते हो, भी यू नो बहुत ही प्यारा सा। तो ये जो कुछ टॉपिक्स जो मैं शेयर करूंगी अपनी आज की वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा कोई बिना स्किप किए, बिकॉज हो सकता है कुछ ऐसे टॉपिक्स मिस हो जाए आपके स्किप करने से। तो आज मेरी वीडियो को ना बिना स्किप करे ही देखना। तो अगर बिना देने के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ गाइस तो मैंने आप सारा सामान ले लिया हुआ है एंड सबके नेम्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आपको इतने ही सामान की जरूरत पड़ेगी। बाकी मैंने थ्रेड परचेस करे हैं एंड इसके पहले मैंने राखी की वीडियो शेयर करी थी, मेरी फर्स्ट वीडियो थी वो यूट्यूब पे, तभी मैंने सारा सामान परचेस किया था एंड वो मेरे पास अवेलेबल था। एंड बाकी सारी चीज़ें मुझे परचेस नहीं करनी पड़ी, सिर्फ मैंने थ्रेड परचेस किया है। तो इसे मैं जो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ उसे कहते हैं बकरम, एंड मैं उसके बाद यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बिग साइज़ की बिंदी। एंड मैंने बकरम को अच्छे से सर्कल शेप में कट कर लिया हुआ है एंड मैं बिंदी को उसी के शेप में अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, आप इसे स्मॉल भी बना सकते हो, आप इसे बिग भी बना सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। सो मैंने यहाँ पे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किया हुआ है एंड ये अच्छे से मैंने इसे स्टिक कर दिया है, तो काफ़ी प्यारा सा इफेक्ट आ रहा है आप देख सकते हो। एंड मैं इसमें डबल कोट दे रही हूँ, आप सिंगल भी रख सकते हो बट मैं यहाँ पे डबल कोट दे रही हूँ बिकॉज ये बिंदी का वर्क है। एंड उसके बाद मैं डिटेलिंग देने के लिए यहाँ पे कलरफुल बिंदी यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे बकरम का थोड़ा सा पीस लिया हुआ था सर्कल शेप, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे राउंड गोल्डन प्लास्टिक बीड्स यूज़ कर रही हूँ सर्कल शेप में मैंने अप्लाई कर दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे फ्लैट मोती अप्लाई कर रही हूँ, अच्छे से मैंने चिपका दिया हुआ है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे थ्रेड यूज़ कर रही हूँ लाइक हैंड के साइज़ का, मैंने अच्छे से कट कर लिया है। एंड उसके बाद मैं थोड़ी सी और डिटेलिंग देने के लिए यहाँ पे मोती का यूज़ कर रही हूँ। एंड तो मैंने अच्छे से इसको डिटेलिंग दे दी है एंड इसको मैं अच्छे से मजबूत बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फॉर्म शीट का। एंड उसको अच्छे से मैंने स्टिक कर दिया है फेवी बॉन्ड से, एंड यही ग्लू यूज़ होता है राखी को बनाने के लिए। मैंने ये लोकल मार्केट से परचेस किया था, तो फाइनली जो राखी है ना वो अच्छे से बनके रेडी हो गई है। तो गाइज ये हमारी बिंदी वाली राखी बनके रेडी है एंड अभी हम लोग देख लेते हैं मेरी नेक्स्ट राखी। सो यस, तो गाइज ये राखी स्पेशली गर्ल्स के लिए है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ लटकन वाली राखी जो कि गर्ल्स को बहुत पसंद होती हैं। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाइट कलर की मोती एंड कुछ नग वाले मैं यहाँ पे सर्कल्स ले आई थी मार्केट से, एंड बाकी मैंने और कुछ परचेस नहीं किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे मोती को अच्छे से डाल रखा, कैसे भी बना सकते हो, कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से पिनअप कर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं ऐसे ही तीन लड़ियाँ और बनाऊँगी, मैं आप देख सकते हो अभी आपको मैं दिखाऊंगी। सो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से पिनअप कर लिया है, सो मैंने यहाँ पे तीन लड़ियाँ अच्छे से बना रखी हैं। एंड उसके बाद मैं वापस इसको डिटेलिंग दूंगी जिससे कि जो मैंने पिनअप किया हुआ पोर्शन है वो अच्छे से लाइक शो ना हो जितने भी थ्रेड दिख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे पॉम पॉम बॉल लगा रखी है और उसके बाद मैंने फिर से मोतियों की डिटेलिंग दे रखी है कि जिससे कि और भी प्यारा लगे। एंड यस, तो मैंने अच्छे से इसको कर लिया हुआ है पिनअप एंड उसके बाद मैंने थ्रेड को
सर्कल में रखा हुआ है, इसको मैंने कट नहीं किया था एंड उसको मैं अच्छे से अपने हैंड पे पहन के दिखा रही हूँ आपको। आप देख सकते हैं किस टाइप से रेडी हो चुकी है एंड इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। बांधने वाला सीन मैंने रखा ही नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ फंसा देना है आपकी राखी को, उसके बाद ही लटकन राखी आपकी रेडी है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बन गई, दोनों राखी बहुत ही ईजी हैं, आप ईजिली बना सकते हो घर में। सो यस, ये तो मेरी राखी, आई होप कि आपको पसंद आई होंगी। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं फ्रेंडशिप बैंड को बनाना। तो मैंने यहाँ पे मोतियाँ ले ली हुई कलरफुल्स, आप किसी भी कलर की मोतियाँ ले सकते हो। मैंने इसे परचेस किया है, मेरे पास अवेलेबल नहीं था, एंड अगर आपके पास कोई भी माला अवेलेबल है तो आप उसे क्रैक करके यूज़ कर सकते हो। मैं इसको लास्टिक मैंने अच्छे से डाला हुआ है, अभी ये पूरा फ्रेंडशिप बैंड बनकर रेडी है एंड मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है। आप देख सकते हैं कलरफुल एंड प्लेन कुछ डिफरेंट किया है मैंने, तो आप देख सकते हैं यस बन गया है फ्रेंडशिप बैंड। आप ये प्यारे से फ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लगेगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पूजा थाली को डेकोरेट करना। सो उसके लिए मैंने आपको ले लिया भाई रंगीला कलर्स, यानी आपको इजीली लोकल मार्केट में मिल जाएंगे, मेरे पास ये अवेलेबल थे, मेरे भाई के हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक प्लेट, आप कोई भी प्लेट ले सकते हो, मेरे पास ये अवेलेबल थी एंड इसको मैं येलो कलर कर रही हूँ बिकॉज मैं येलो कलर का कॉम्बिनेशन करने वाली हूँ, बहुत ही प्यारा लगेगा। सो अच्छे से इसको मैंने ड्राई कर लिया, उसके बाद मैं आप पे एक कैप ले रही हूँ लाइक इसका अटैचमेंट करने के लिए। मैं अभी इसको अटैच कर दूँगी प्लेट में, जिससे कि हम लोग यू चावल रखते हैं रिश्ता बनाते हैं तो उसके लिए, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे गोटा और ये ग्लिटर्स यूज़ करूँगी एंड उसके बाद मैं पूरी प्लेट पे ग्लू लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से, जिससे कि जो स्ट्रीमर है वो अच्छे से चिपक जाए। एंड उसके बाद ही अच्छे से मैं इसको पूरे ही प्लेट पे डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं अपने हैंड्स, ताकि अच्छे से ये स्प्रेड हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे कैप में भी अच्छे से ग्लू लगा करके स्ट्रीमर पूरे उसमें डाल दूंगी, जिससे कि फिल हो जाए पूरा ये कैप भी, काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये मोतियाँ गोल्डन कलर की, एंड मैं जो ग्लू यूज़ कर रही हूँ गाइस वो फेवी बॉन्ड ग्लू है, बिकॉज ये इसी ग्लू से काफ़ी अच्छे से स्टिक हो जाती है। एंड मैं उसको अच्छे से पूरी प्लेट में स्टिक कर दूँगी, बिकॉज इसमें लाइन्स दिख रही थी, यानी डिटेलिंग करूँगी तो मैं प्यारा लगेगा, उसके बाद में कुछ दिखेगा नहीं। एंड अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये गोटा, एंड इससे काफ़ी प्यारी डिटेलिंग आ जाएगी। सो फाइनली अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है, एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे गोल्डन मोती की लड़ियाँ यूज़ कर रही हूँ, जिससे कोई यू नो हार्श लाइंस नहीं दिखे। तो पूजा थाली बनके रेडी है एंड आप इस टाइप से डेकोरेट कर सकते हो। अभी बात कर लेते हैं आउटफिट्स के बारे में कि आप इस रक्षाबंधन में कैसे आउटफिट्स वेयर कर सकते हो, अगर वो चाहे वेस्टर्न में या फिर इस टाइप के एथनिक ड्रेसेस भी हो। तो इस टाइप से मैं अपने अकॉर्डिंग आइडियाज लेकर आई थी आपके साथ में शेयर करने की, क्या आप इस टाइप से रक्षाबंधन में ऐसे ड्रेसेस को वेयर कर सकते हो अफोर्डेबल रेंजेस में, बीच में काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं लाइक हर एक ऐप पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे काफी अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। गाइस, अब बात कर लेते हैं मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। हे गाइस, स्टार्ट करते हैं मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स। तो मैंने अपना स्किन केयर कर लिया, बस स्टार्ट करते हैं लैक्मे लूमी क्रीम से, एंड ये काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट करेगी मेरी स्किन को। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस प्राइमर्स, मैंने अप्लाई कर लिया है। एंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नायका का फाउंडेशन, काफ़ी लाइट कवरेज प्रोवाइड करता है ये। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का कंसीलर, एंड मेरा शेड एवरी है। एंड अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ये ब्लश, एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर अपने फेस को सेट करने के लिए। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल, जो कि ब्लू हेवन की है। उसके बाद मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की 4-in-1 शेडो पैलेट, एक ही पैलेट में आपका सारा काम हो जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एज अ लाइनर ड्रॉ करना है, उसके बाद इसे स्मच कर देना। मेरा आउटफिट ब्लू है तो मैंने ब्लू कलर का लिया हुआ है, एंड पूरी आईज मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही सिंपल सा आई लुक आप कर सकते हो, एंड इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लिया है, हाइलाइटर भी मैंने अप्लाई कर लिया है पूरे फेस पे। एंड आई लैश को मैं कर्ल कर रही हूँ, मश्कारा मेबरीन का है द फॉल्स लैश लिप। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्टे कोर्टिक लिपस्टिक, मेरा पूरा लुक रेडी है। व्हाइट काजल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, एंड मेकअप फिक्सर, सो मेरा जो लुक है कंप्लीट हो चुका है, बिंदी लगा ली मैंने। सो यस, ये आप देख सकते हैं फाइनल रक्षाबंधन लुक, आप इस टाइप से रेडी हो सकते हो। यस, वो टॉपिक्स में से कुछ भी आप ट्राई कीजिए तो मुझे फीडबैक देना मत भूलना, एंड मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स सिस्टर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड ऑल्सो गाइस, एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी फ्रेंडशिप टू ऑल ऑफ यू। जैसे ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है आप क्या करना, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, एंड इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। तो आप मैं बोलूँगी इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में लाइक मंडे एंड सैटरडे। Stay tuned and stay safe. Bye-bye.